जोहार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग कैसे हो? मैं तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जी रहा हूँ। किसान लाइफ स्टाइल व्लॉग्स दोस्तों, किसान के रिलेटेड ही अच्छा खासा मैं जी रहा हूँ, खा रहा हूँ दोस्तों, पी रहा हूँ और दोस्तों मैं खेत के पास घूम रहा हूँ। दोस्तों आज मैं सुबह सुबह निकल आया हूँ अपने खेत की ओर, लेकिन यार थोड़ा सा आज मैं ना लेट कर दिया हूँ दोस्तों। सूरज निकल आया है और गैच अभी तो सूरज निकल आया है, पता नहीं दोस्तों शाम होने तक पता नहीं कितना बारिश होगा, ये तो दोस्तों वक्त ही बताएगा। तो चलो दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को हमारा बरबट्टी दिखाता हूं। और दोस्तों खेत वाला बरबट्टी नहीं गैच, हम लोग बादाम यहां पे आजू बाजू वाला घोड़ा में दोस्तों बादाम लगाए हैं और गैच बीच में एक लाइन है, पिंडी है, इसमें दोस्तों हम लोग बरबट्टी लगाए हैं। लेकिन गैच इसमें फल आ रहा है कि नहीं पता ही नहीं है। तो चलो यार थोड़ा बहुत आज हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये रहा दोस्तों पौधा और इसमें ये देख लो दोस्तों काला काला फला है। और यहाँ पे भी दोस्तों देख सकते हो, ये रही और ये थोड़ा वाइट वाला फला है और इसमें है कि नहीं है, और इसमें नहीं है। चलो आगे वाला में जाते हैं। यहाँ पे गैच एक यहाँ पे छोटा छोटा है देख लो, और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो चींटी इसको खा रहा है। गुस्सा लगता है दोस्तों चींटी को, लेकिन कैसे काटूंगा इतना सारा को, कैसे मारूंगा मैं। और ये देख लो दोस्तों यहाँ पे भी आ रहा है, बढ़िया यार मस्त। यहाँ पे भी बरबट्टी लगाओ दोस्तों, आप लोग भी बरबट्टी सब्जी खाओगे तो। यहाँ पे भी दोस्तों आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर बड़ा सा एक है ना, तो बढ़िया इसमें दोस्तों अच्छा सा बड़ा सा है, अच्छा शक्ति मिल रहा होगा शायद, पता नहीं। और गैच यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे एक फूल है, फूल है, इसको रहने देता हूँ दोस्तों। और इसमें और भी फूल है दोस्तों, बहुत ज़्यादा फूल है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये रहा दोस्तों फूल और ये रहा दोस्तों फूल। दोस्तों आप सभी लोग तो हमारा आदर्श बाबू को जानते होगा कि दोस्तों जैसे ही स्कूल से आता है ना, मकाई भूंजना शुरू कर देता है। तो क्या पता है आप सभी लोगों को कि कहाँ का मकाई भूंजता है? चलो यार यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं बैक कैमरा से, यहीं पे और दोस्तों मैं वहीं पर खड़ा हूँ, तो ये भी रेडी हुआ है कि नहीं, चलो इसको भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों मकाई का पेड़, ऐसे होता है दोस्तों, पेड़ या पौधा बोलते हैं नहीं पता। ये रहा दोस्तों और यहाँ पे आया है अच्छा खासा, ये सूख गया है मतलब भूंजने लायक हो गया होगा। चलो दूसरा देखते हैं, इस साइड में है गैच और इधर देख सकते हो पूरा मुंह फली लगाए हम लोग, नहीं फला है, जब उखाड़ेंगे तब भी आप लोगों को वीडियोस देखने को मिलेगा। ये रहा दोस्तों यहाँ पे, ये सूख गया, ये भी दोस्तों भूंजने लायक हो गया, इसको भी तोड़ेंगे गैच। ये देख लो, इसको मैं हमेशा दिखाता हूँ दोस्तों, छोटा छोटा था तब से आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। जो लोग मेरा पहले से ब्लॉग्स देखते आ रहे हैं ना, उन लोगों को पता है दोस्तों छोटा छोटा था ना, तब भी आप सभी लोगों को मैं दिखाया था। उखाड़ने वाला जिसे हो रहा था वो वाला वीडियो थोड़ा मेरा ज़्यादा वायरल हुआ है। और ये देख लो दोस्तों, इसमें भी अच्छा खासा मकाई है। और गैच ये देख लो, इसको तो दोस्तों आज मैं पक्का ही तोड़ूंगा। चलो यार आज भी हम लोग थोड़ा चेक करते हैं, अभी तो कोई नहीं है, मैं हूँ अकेला, तो चलो मैं इसको चेक करता हूँ खाने लायक हुआ कि नहीं। दोस्तों ये देख लो बढ़िया है, स्पेशल भूंजने लायक तो एक नंबर है दोस्तों, ये देख लो बढ़िया है दोस्तों। और अच्छा नाखून से करता हूँ, सूख चुका है, शाम के समय इसको मैं तोड़ के ले जाऊंगा। दोस्तों गांव में रहने से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मज़ा लगता है गैच, क्योंकि दोस्तों गांव में ना बहुत सारा खाने का सामान मिलता है। अभी मकाई मिल रहा है ना, और थोड़े दिन के बाद दोस्तों मूँगफली उखाड़ेंगे, तो दोस्तों उसको भी हम लोग उबाल उबाल कर खाएंगे, कच्चा भी बहुत सारा खाऊंगा। उसके बाद दोस्तों अमरूद सब पकता है। और गैच सिटी में रहने से सब कुछ मिलता है, लेकिन दोस्तों खरीद के खाना पड़ता है। गैच मैं भी सिटी में था ना, तो दोस्तों हम लोग भी मकाई सब खरीद रहे थे 20 रुपया किलो के रेट में। और दोस्तों लेकिन जितना मजा घर से जो मिलता है ना, अपना खुद का लगाया हुआ मिलता है, उससे अच्छा नहीं लगता है गैस। खरीदा हुआ में थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगता है, और गैस उसमें तो गैस से भूंजना पड़ता है, अच्छा खासा नहीं भूंजा जाता है। लेकिन दोस्तों गांव घर में रहोगे तो दोस्तों अच्छा सा चूल्हा वाला में भूंज के खाओगे ना, तो एक नंबर लगता है गैस। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, आप सभी लोगों को कैसे लगता है बताना। और थोड़ा बहुत यहाँ पर भी देख लेते हैं दोस्तों इधर का, चलो बैक कैमरा से फोकस करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों मैं झाकी किया था दोस्तों बरबट्टी के लिए, लेकिन गैच यहाँ ना लौकी यहाँ पे आकर दोस्तों पूरा तरफ घेर लिया है एरिया को। और यहाँ पे एक दो ठी तो है बरबट्टी, ये देख लो अंदर में, लेकिन चलो दोस्तों लौकी खोजते हैं, इसमें मिलेगा तो ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पर भी बढ़िया है, छोटा छोटा है, लेकिन दोस्तों फाइनली मुझे लौकी मिल गया। आप सभी लोग यहां से नहीं देखने पाओगे, मेरे को तो पता है, लेकिन गैच मैं देख लिया। ये देख लो दोस्तों झूला झूल रहा है, चल तो गोया रे अंबा बगीचा खेल रहा है दोस्तों। ये देख लो लौकी है कि हाँ लौकी है, मम्मी को दोस्तों बताऊंगा शाम के समय, इसको तोड़ के लेगी और दोस्तों सब्जी बनाएगी। चलो ठीक है, ये लौकी बड़ा सा है,
खाने लायक नहीं है, नहीं खाने लायक है, खाने लायक नहीं है बोलता हूँ गैच, मैं नया यूट्यूबर हूँ तो उल्टा पुल्टा कभी कभी बोल देता हूँ, आप लोग समझ लेना। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पर भी अभी छोटा छोटा है, ये रहा दोस्तों, थोड़ा मोबाइल को दोस्तों अंदर में करता हूँ, ये रहा यहाँ पे छोटा है, वहाँ पे भी फल रहा है अच्छा खासा, ये देख लो बढ़िया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फल रहा है हमारा लौकी दोस्तों। तो आप सभी लोगों को तो यार बहुत ही ज़्यादा मज़ा लगता होगा मेरा ब्लॉग्स देखने में, क्योंकि यार मैं भी नया हूँ ना, थोड़ा मोड़ा उल्टा पुल्टा भी बोल लेता हूँ, लेकिन सीख रहा हूँ। जो जो लोग दोस्तों गलती नहीं करते हैं ना, उन लोग दोस्तों सीखने नहीं पाते हैं, ऐसे गैच मैं सुना हूँ। तो दोस्तों जैसे मैं से अभी शुरुआत है गैच, एक महीना अभी तो ढंग से मेरा ब्लॉगिंग करना स्टार्ट नहीं हुआ है दोस्तों, अभी तो 23-24 का केवल ब्लॉग्स अपलोड किया हूँ, और लेकिन सब्सक्राइबर बहुत ही अच्छा मिल रहे हैं, मेरे फैंस लोग हैं जो अच्छा खासा बढ़िया है गैच, सपोर्ट करना मुझे भी, गाँव से बिलोंग करता हूँ दोस्तों, मैं भी थोड़ा बहुत नहीं जानता हूँ दोस्तों। आज तो बाबू गया दोस्तों स्कूल जाएगा, और पप्पा दोस्तों बैल लेकर आएगा, और मम्मी दोस्तों 10:30 बजे ही खाना लेकर आएगी, क्योंकि यार हमारा काम ना इधर ही ज़्यादा रहता है, थोड़ा सा दोस्तों घोड़ा धान बाकी है और उड़द दाल भी उखाड़ने के लिए बाकी है, तो मम्मी इधर ही आएगी, तो पूरा खानदान हम लोग आ जाते हैं। तो अभी तो चलो उसका आने तक वेट करते हैं, अभी गैच मैं जाता हूँ वीडियोस अपलोड करने के लिए, क्योंकि दोस्तों आज मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, अभी तक तो अपलोड कर देता लेकिन अभी मैं थोड़ा आज मैं लेट अपलोड करूँगा दोस्तों। यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो, मैं दोस्तों यहाँ पर इमली पेड़ के नीचे में वीडियोस अपलोड कर रहा था, तभी दोस्तों मम्मी आई और मेरे लिए दोस्तों खाना ला दी है, और गैच अभी बोल रही है जाओ खाना खा लो, और दोस्तों पप्पा तो सुबह ही आया और दोस्तों इधर धान कटाई कर रहा है, थोड़ा धुंधला धुंधला सा, हाँ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों हमारा घोड़ा धान कटाई कर रहा है, और दोस्तों अभी मम्मी जाएगी उड़द दाल को ख़त्म नहीं किए हैं तो उसी को उखाड़ने के लिए। तो चलो दोस्तों सबसे पहले मैं खाना खा लेता हूँ, फिर दोस्तों मैं अपना काम करूँगा और मम्मी अपना काम करेगी, और दोस्तों पापा अपना काम कर रहा है, और दोस्तों बाबू तो स्कूल चला गया है, तो दोस्तों मैं थोड़ा अभी खाना खाने जाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आज दोस्तों खाने में क्या क्या मिलेगा, ये रहा दोस्तों मेरा खाना, वाइट वाइट चावल से बनाई है, और ये रहा दोस्तों सब्जी आलू और बरी, और गैच ये देख लो कल का मछली सब्जी शाम के समय था तो थोड़ा सा मम्मी ला दी है मेरे लिए, ये रहा दोस्तों मिर्ची, लेकिन मैं मिर्ची नहीं खाता हूँ, और ये रहा दोस्तों पानी। तो चलो दोस्तों सबसे पहले तो मैं खाना खा लेता हूँ, यहाँ पे दोस्तों पानी निकालने के लिए गिलास लेकर आई है मम्मी, सबसे पहले मैं इतना सारा खाना खाता हूँ गैच, खाना खा लेता हूँ, उसके बाद आप सभी लोगों के साथ मैं मिलता हूँ दोस्तों। मैं खाना वगैरह खा लिया हूँ, अभी दोस्तों मैं जा रहा हूँ मम्मी के पास, और आज देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा तेज धूप कर रहा है, और गैच हम लोग के पास आज छोटी दीदी हमारा उड़द दाल को उखाड़ने के लिए आई है, तो चलो दोस्तों आप सभी लोगों को मैं मेरी छोटी दीदी के साथ मिलवाता हूँ दोस्तों। अभी मैं आया हूँ मम्मी के पास, यहाँ पे दोस्तों मेरी छोटी दीदी भी आई है उड़द दाल उखाड़ देने के लिए, और ये रही दोस्तों मेरी छोटी दीदी, और दोस्तों मेरी छोटी दीदी को हम लोग 4 किलोमीटर दूर में शादी किए हैं, और इधर ये देख लो दोस्तों मम्मी, तो अभी इन लोग दोस्तों धूप में काम करेंगे दोस्तों। अभी का टाइम हो रहा है 3:42, और गैच आज हम लोग बैल नहीं चरा रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों घोड़ा धान था उसी में हम लोग बांध दिए हैं, और दोस्तों इधर देख सकते हो मौसम दोस्तों बहुत ही ज़्यादा काला काला बादल किया है, और गैच आज भी अभी बारिश होने वाला है झमाझम, तो दोस्तों सुबह टाइम माहौल अलग रहता है और शाम के समय दोस्तों माहौल अलग हो जाता है। तो चलो दोस्तों मैं भी फटाफट से घर में चले जाता हूँ, मम्मी पापा तो दोस्तों घर में ये देख लो गए हैं, और दोस्तों वे घुस गए हैं, और हमारा एक छोटा सा बाबू दोस्तों इधर खुला में खेल रहा है एक टंगिया हथौड़ा पकड़ के, ठीक है ना, टंगिया दोस्तों हथियार पकड़ के देख लो। तो चलो दोस्तों इस बाबू को भी मैं दोस्तों ले जाता हूँ अपना छोटा घर में, और दोस्तों हम लोग दरवाजा बंद करके अभी रहेंगे, हवा भी चल रहा है दोस्तों बहुत ही तेज, तो चलो यार आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रहा है, तो फटाफट से मैं जाता हूँ अपना घर में दोस्तों। आप सभी लोगों को मैं सुबह दिखाया था मकई, तो चलो दोस्तों आज हम लोग 2 तोड़ के लेते हैं सुबह गैच, इसको शायद हाँ इसी को दोस्तों ये देख लो, ये देख लो एक दोस्तों मैं तोड़ लिया हूँ, और एक दूसरा तोड़ता हूँ, और पता नहीं शायद ये रेडी होगा, तो इसको भी दोस्तों तोड़ता हूँ, ये देख लो एक बाबू के लिए एक मेरा। तो चलो दोस्तों अभी जाते हैं छोटा घर के पास, और पूरा सजा देते हैं, सरिया देते हैं मम्मी को, और दोस्तों मम्मी को घर भेज देते हैं।
फाइनली दोस्तों हम लोग खेत की ओर से आ चुके हैं। सबसे पहले तो पप्पा आया है, बैल लाया है। उसके बाद दोस्तों मम्मी आई, उसके बाद दोस्तों मैं आया, और बाबू दोस्तों स्कूल से आ चुका है। लेकिन गैच बाबू अभी क्या कर रहे पता है? उस घर में दोस्तों वह मकाई भूंज रहा है। लेकिन दोस्तों आज मैं चालाकी से अपना दोस्तों पहले ही भूंज कर यहाँ पे दोस्तों खाने के लिए आ गया हूँ अपने रूम में। ये देख लो, और बाबू अपना भूंज रहा है, और मम्मी दोस्तों सब्जी बना रही है, और पापा दोस्तों दूसरा रूम में है, वह दोस्तों टीवी को चालू कर दिए हैं, वो देख रहे हैं। तो देख लो दोस्तों, यह देहाती वाला है गैस, और आगे में हम लोग इसको भूंजे हैं, अच्छा लगता है। और जैसे कि दोस्तों गैस वगैरह में भूंजते हैं और ठेला वगैरह में दोस्तों खाते हैं, उससे थोड़ा यह अलग ही मीठा लगता है, तो अच्छा लगता है दोस्तों। आज खाता हूँ, कैसे अच्छा लगेगा कि नहीं बताऊंगा, बताना आप लोग। मैं तो खा चुका हूँ दोस्तों, मुझे अच्छा लगता है। तो चलो दोस्तों आज मैं खाता हूँ, और दोस्तों अभी मैं खाना भी नहीं खाया हूँ, अभी तो दोस्तों इसको पहले खा लेता हूँ, उसके बाद दोस्तों मैं खाना खा लूंगा, उसके बाद दोस्तों मैं सोने के लिए आऊंगा और वीडियो एडिट करूंगा, फिर रेडी हो जाएगा कल के लिए। तो चलो दोस्तों, यही था आज का हमारा छोटा सा ब्लॉग। आप सभी लोगों को विलेज लाइफ स्टाइल ब्लॉग अच्छा लगता है तो चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को लाइक कर देना। चलो दोस्तों मिलते हैं कल के ब्लॉग्स में, तब तक के लिए दोस्तों गुड नाइट, जय हिंद।